आज हम आपको ऐसे स्त्रियों के कुछ लक्षण के बारे में बताने वाले हैं। अगर वह स्त्री आपके घर में ऐसे काम करती है तो वह स्त्री समय से पहले विधवा बन जाती है। स्त्री के कई गलतियों के कारण उसके पति का भुगतना पड़ता है उसका परिणाम। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि अगर स्त्री कुछ काम ऐसे हैं, अगर वो करती है तो वो समय से पहले विधवा हो जाती है, यानी कि समय से पहले उसका पति मर जाता है। और श्री कृष्ण ने महाभारत काल में ऐसे बताए हैं, तो चलिए महाभारत काल के अनुसार श्री कृष्ण ने कौन सा बात बताई है स्त्रियों को जो नहीं करना चाहिए, और साथ ही आप जानेंगे कि विधवा स्त्री सफेद साड़ी ही क्यों पहनती है, आखिर महाभारत काल से इससे जुड़े क्या रहस्य है, चलिए हम आपको आज बताते हैं। वीडियो काफी इम्पोर्टेंट है, वीडियो को ध्यान से देखना और समझना, पूरा जरूर देखना, क्योंकि अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दुनिया में हर परिवार अपने घर में सुख शांति चाहता है, इसके लिए परिवार के सदस्यों को नियम भी बनाए गए हैं। इन्हीं नियमों में से कुछ नियम पत्नियों के लिए भी होते हैं ताकि पति की आयु लंबी बने रहे। यदि इन नियमों का पालन नहीं किया गया तो माना जाता है कि आपके पति पर कोई संकट आ सकता है। स्त्रियों के कुछ लापरवाही का नतीजा आपके परिवार पर बहुत बुरा पड़ सकता है। यदि आपके पति घर से बाहर जाते हैं, चाहे वह अपने दफ्तर ही क्यों ना जा रहे हो, तो उसके जाने के बाद कभी झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से लक्ष्मी नाराज हो जाती है। घर के किसी सदस्य के बाहर जाने के बाद झाड़ू लगाना बुरा माना जाता है। अगर घर के किसी सदस्य के बाहर जाते ही कभी पोछा नहीं लगाना चाहिए, यह बुरा माना जाता है। घर के सदस्य के बाहर जाने के कुछ देर बाद या खाना पीना खाने के बाद पोछा लगाया जा सकता है, लेकिन पहले पोछा नहीं लगाना चाहिए, इससे घर में बरकत कम होती है। अगर आपके परिवार का कोई सदस्य बाहर जाता है या घर में आता है तो तुरंत नाखून नहीं काटना चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि राहु बलवान हो जाता है। ऐसा करने से नाखून काटने वालों का भाग्य कमजोर होता है और अशुभ भी माना जाता है। आपको यह जानकर बहुत हैरानी होगा कि पति जब घर से बाहर जाए तो पत्नी को कभी श्रृंगार नहीं उतारना चाहिए। पति के घर से बाहर जाते ही श्रृंगार उतारना अशुभ माना जाता है, क्योंकि ऐसा उस समय किया जाता है जब पति की मृत्यु हो जाती है। कोशिश करें जब पति घर में हो तभी श्रृंगार उतारना चाहिए। कभी पति के घर से बाहर जाते ही महिलाओं को अपने बाल नहीं खोलना चाहिए। माना जाता है कि पति के घर से बाहर जाने के बाद बाल खोलने से घर में कंगाली छा सकती है। कोशिश करें कि जब पति घर में हो तभी बाल खोले। अब जान लेते हैं पति की मौत के बाद हिंदू महिलाएं सफेद साड़ी या वस्त्र धारण क्यों करती है। इसका कई कारण है। दरअसल सफेद रंग को रंगों की अनुपस्थिति वाला रंग माना जाता है, अर्थात जिसके जीवन में कोई रंग नहीं रहे। सन्यासी भी सफेद वस्त्र धारण करते हैं। जब महिला का पति मर जाता है तो उसके लिए यह सबसे बड़ी घटना होती है। इसका मतलब कि अब उसके जीवन में कोई रंग नहीं रहा। दूसरा कारण, सफेद साड़ी पहनने से महिला की एक अलग ही पहचान बन जाती है। सभी लोग उसके प्रति संवेदना रखने लगते हैं। इस मनोवैज्ञानिक प्रभाव के चलते वह सामाजिक सुरक्षा के दायरे में रहती है। तीसरा कारण, एक विधवा के सफेद वस्त्र पहनने के पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है कि सफेद रंग आत्मविश्वास और बल प्रदान करता है। वह कठिन से कठिन समय को पार करने में सहायक बनाता है। इसके साथ ही सफेद वस्त्र विधवा स्त्री को प्रभु में अपना ध्यान लगाने में मदद करते हैं। सफेद कपड़ा पहनने से मन शांत और चंचल बना रहता है। इसके पीछे चौथा कारण है, महिलाओं का ध्यान ना भटके, इसलिए उन्हें सफेद कपड़े पहनने को कहा जाता है, क्योंकि रंगीन कपड़े इंसान को भौतिक सुखों के बारे में बताते हैं। ऐसे में महिला का पति साथ नहीं होने पर महिलाएं कैसे उन चीजों की भरपाई करेगी, इसी बात से बचने के लिए विधवाओं को सफेद कपड़े पहनाने को कहा जाता है। पांचवा कारण, शास्त्रों के मुताबिक पति को परमेश्वर कहा जाता है, और ऐसे में अगर परमेश्वर का जीवन समाप्त हो जाता है तो महिलाओं को भी संसार की माया मोह छोड़कर भगवान में मन लगाना चाहिए। छठा कारण, ऐसा माना जाता है कि पुत्र या पुत्री का जन्म हो चुका हो,
और उसके बाद पति की मौत हो गई हो तो दोबारा शादी नहीं करने से पुत्र पुत्रियों के जीवन पर विपरीत या प्रतिकूल असर पड़ने लगता है।